जोरदार एक हैप्पी फ्राइडे साबित हो रहा है. हैप्पी टीसीएस के बाद एक बड़ा हैप्पी फ्राइडे. 24,524 के लेवल्स पर निफ्टी, 210 अंकों की बढ़त. निफ्टी बैंक में जो पूरा अच्छा खासा मोमेंटम बना था वो ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी 100 पॉइंट के गेंस देखने को मिल जरूर रहे हैं. ड्रैग क्या कर रहा है निफ्टी बैंक में? कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगा है और ऊपरी लेवल्स पर जो पूरा मोमेंटम एचडीएफसी बैंक अपने नाम कर रहा था वहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली आई है. एचडीएफसी बैंक नियरली 1% के गेंस दिखा रहा था, अब सिर्फ 0.5% तक की तेज़ी या फिर उससे कम की तेज़ी यहाँ पर रह गई है. कूल ऑफ देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में स्पेशली. और एक्सिस बैंक भी एक बार दिखाइएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक नियरली 2% के गेंस पर था, अब सिर्फ 1.5% तक की तेजी रह गई है. तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने में लगे हैं. क्या सलाह होगी इस समय ट्रेडर्स को, कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमारे साथ पाइपर्स एरिका के अभय अग्रवाल हैं. मार्केट में अर्निंग्स का तड़का तो लग ही रहा है, लेकिन अर्निंग्स के बाद एक बड़ा अर्निंग्स के बीचों बीच रात एक बड़ा ट्रिगर बजट का भी आने वाला है. गुड आफ्टरनून अजय. देखिए जेपी मॉर्गन में आप काम कर चुके हैं, तो आपको एक अंदाजा है कि मार्केट को इस बड़े इवेंट वाले हफ्ते में क्या रणनीति अपनानी चाहिए. आज टीसीएस पचा, मंडे को आएंगे तो एचसीएल पचाना होगा, फिर वीकेंड तक ऑफकोर्स हम इंफोसिस के नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे और फिर सीधे मुंह पर आएगा बजट. पोजिशनिंग अब है इस समय कैसी होनी चाहिए, बड़े निवेशक इस समय अपने आप को कैसे संभालेंगे अपनी पोजिशंस को, अगर उसका एक अंदाजा दे सके. जी गुड आफ्टरनून हर्षदा. देखिए मैं काफी समय से कह रहा हूँ और मैं आज फिर से दोहराऊंगा कि ये जो मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट है ये अभी भी एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है और इस मार्केट में ओनरशिप ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, पर ओवरबॉट ओवर ओन स्टॉक्स अभी भी नहीं है. कुछ एक सेगमेंट्स को हम छोड़ दें, उनकी बात नहीं करते हैं, पर जनरली मैं मार्केट की बात करूंगा तो ये मार्केट अभी भी इसी मूड में है कि ऊपर की तरफ कैसे जाए, और ऊपर की तरफ जाने के लिए फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना आए पर बहुत बुरे भी ना आए तो वो एक मार्केट को सहारा दे रहा है. तो जो हमने टीसीएस में देखा, नंबर्स फ्रेंकली बहुत अच्छे नहीं थे, गाइडेंस भी एक कॉशियस थी, पर फिर भी मार्केट ने कहा कि देखिए ये स्टॉक्स चले नहीं है काफी समय से, कौन से बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव है नेचर में. तो मार्केट में अभी एक ओवरवेलमिंग फीलिंग यही है कि इन्वेस्टेड रहा जाए, अंडर एलोकेट ना किया जाए. रिजल्ट्स, मुझे रिजल्ट से मार्केट को फ्रेंकली ज्यादा उम्मीद नहीं है इस समय, क्योंकि ये क्वार्टर हम देख रहे हैं कि एक एवरेज क्वार्टर रहेगा अर्निंग के लिए, और इन क्वार्टर की अर्निंग से ज्यादा इन्वेस्टर्स की डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, वो होगी अगले दो क्वार्टर के रिजल्ट से. तो इस क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए वही काफी होगा मार्केट के लिए. बड़ी न्यूज जो आपने कही वो है बजट की. एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि काफी प्रो ग्रोथ प्रो रिफॉर्म बजट होगा, जो काफी सेगमेंट्स को जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है उनको सपोर्ट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, एग्री इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा. तो काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे बजट में, जिसका गाइडेंस ऑलरेडी धीरे धीरे मिल रहा है पिछले दो महीने से. तो मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा मार्केट की या इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन उस पर ज्यादा है. तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में किसी को कैश में चले जाना चाहिए ये एक्सपेक्ट करके कि बहुत कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है. जो भी करेक्शन आएंगे वो सब यूज करेंगे इन्वेस्टर्स बाइंग करने के लिए. टू बी स्पेसिफिक, जो सेक्टोरल एक्शन आज देखने को मिला है अब है टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी पर हमने पहले काफ़ी बातचीत की है. एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ शेयर कर रही थी कि वैल्यूएशन कहाँ पर पहुँचे हैं. अभी भी आप देखिएगा टीसीएस इज स्टिल दे से एक्सपेंसिव, बट इट्स ट्रेडिंग अराउंड 32 times. इसके आगे तो कई परसिस्टेंट KPIT निकल चुके हैं. तो टीसीएस के इस तरह के नंबर्स पर और जो मार्केट का रिएक्शन आया है, क्या चेज किया जाए ये ट्रेड और बाकी दिग्गजों में आप पोजीशंस क्या बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि मार्केट इस समय वो होप पर राइड कर रहा है कि अगर टीसीएस के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तो बाकियों के साथ नहीं होगा, और बुरा नहीं, इनफैक्ट यहाँ से बस अच्छी स्थिति आएगी भले ही वो Q2 के बाद आए. नहीं, आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन है कि पिछले 3-4 साल पूरे IT सेगमेंट में निकाले हैं साइडवेज करेक्शन में, ग्रोथ नहीं है. 2% 3% की ग्रोथ की गाइडेंस थी, अब वो बढ़ के 7% तक आई है. अट्रिशन कम हुआ है, मार्जिन मेंटेन हुआ है ऐसे एनवायरनमेंट में भी. तो एक
होप है जरूर कि अब बॉटम शायद इन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स का बन गया है और अब यहां से एक रिकवरी दिखेगी और शायद कभी 1-2 साल में डबल डिजिट ग्रोथ भी दिखे। तो उस एक्सपेक्टेशन पे लोग अभी भी 30 टाइम का पी मल्टीपल दे रहे हैं। पर उससे ज्यादा मुझे हर्षदा लगता है कि ये जो स्टॉक्स बाय आउट इसलिए हो रहे हैं कि एक मार्केट में ढूंढ रहे हैं लार्ज इन्वेस्टर्स जो लार्ज कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं ऐसी स्पेस जिसने परफॉर्म नहीं किया या मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, और उसमें पेशेंस कैपिटल है, वो तैयार है साल भर के लिए अगर रिटर्न ज्यादा ना भी बने। पर सबकी चाहत यही है कि जितना जल्दी अर्ली ट्रेड में आ जाए उतना अच्छा है। और आईटी सेगमेंट जो है लार्ज कैप आईटी बिल्कुल उस स्वीट स्पॉट में है, और मुझे लगता है कि थोड़ी 5-8-10% की भी यहाँ से आईटी इंडेक्स में मोमेंटम आ जाए अगले 1-1.5 महीने में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि लिक्विडिटी इस सेगमेंट में ज्यादा आएगी। अच्छा अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। एक तो डिफेंसिव आईटी की बात हो गई, नंबर्स आया आज टीसीएस के, जैसे कि आपने खुद कहा कि नंबर्स बहुत आकर्षक नहीं थे, लेकिन बाजार आई थिंक जिसे कहते हैं ना आई मीन ट्रिगर्स का भूखा है या फिर कहीं भी डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है उसको चेस कर रहा है। एंड द सेकेंड स्पेस FMCG, इसको भी बाजार चेस करने में लगा हुआ है। आज ITC को देखिए, आज टाटा कंज्यूमर को देखिए, मैरिको को देखिए, डाबर को देखिए, इस पर आपका टेक? ये एक अच्छा सेक्टर है अगेन विनेंद्र, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है FMCG में काफी साइडवेज करेक्शन हुआ था अगेन, और अब जिस हिसाब से मॉनसून प्ले आउट हो रहा है थोड़ी थोड़ा डेफिसिट है पर एक्सपेक्टेशन है वो कवर हो जाएगा। दूसरी तरफ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस समय बजट से कि जो रूरल इकोनॉमी है, एग्री इकोनॉमी है, रूरल से ज्यादा मैं कहूंगा एग्री इकोनॉमी है, उसको गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करेगी, सॉफ्ट देगी क्रॉप यील्ड बढ़ाने में, MSP बढ़ाने में। तो जो रूरल फार्मर्स की जब इनकम बढ़ेगी तो ये जो आपने नाम लिए ये कंपनीज ऑटोमेटिकली बेनिफिट करेंगी क्योंकि सबके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत स्ट्रांग है रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में। तो एक उसका एक्सपेक्टेशन है कि जो रूरल इकोनॉमी के पिकअप होने से जो ये कंपनीज थोड़ा मार्जिन ग्रोथ के लिए, वॉल्यूम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वापस हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में डबल डिजिट में हमें 10% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ दिखे जो काफी समय से नहीं दिखा है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये FMCG एक काफी अट्रैक्टिव स्पेस है, इन्वेस्टर्स को अपने रेडार पे रखना चाहिए। और वैल्यूएशंस भी इन्फ्लेटेड नहीं है, मतलब ज्यादा लगेंगी हमेशा ही FMCG में ज्यादा ही लगती हैं, पर मुझे लगता है हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से हम देखें तो FMCG एक काफी अट्रैक्टिव स्पेस है इन्वेस्टर्स के लिए इस समय। FMCG और ये आपका FMCG पे टेक। चलिए अब एक काम करते हैं, डिफेंसिस में ही दो क्षेत्र हमने कवर किए अभी तक और उसमें शायद अभी हमने FMCG बात की, ITC बात की, IT पे बात की, अब एक दो तबकों पे और आते हैं। अभी कुछ देर पहले अभय जी हम लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस बार इस बजट स्पीच में शायद एक अंश ना हो और वो है विनिवेश का, और वो क्यों हो क्यों नहीं होगा इस बात के आई थिंक कारण क्या है वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। वो कंपनियां जिनको लेके सरकार आगे बढ़ चुकी थी स्पेशली लॉजिस्टिक स्पेस में, रेलवे स्पेस में कौन कौन रहा, ऐसी कंपनियों पर आपका टेक क्या है? एंड स्पेशली अगर आप देखें जब से ये नई सरकार बनी है BPCL को लेकर, कौन कौन को लेकर जो कमेंट्रीज आ रही हैं वो कह रही हैं कि हाँ यहाँ पे अब विनिवेश शायद अगले 5 साल के लिए ठंडे बस्ते चला गया है, आपका टेक इस स्पेस पर? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कही, क्योंकि एक समय था 2-3 साल पहले तक, आपको याद होगा वीरेंद्र, जब मार्केट को बड़ा डर रहता था कि सरकार कभी भी OFS अनाउंस कर देगी, कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस कर देगी, डिस्काउंट पे शेयर्स ऑफर कर देती थी सरकार 10-10% के डिस्काउंट पे इन सारी बड़ी कंपनीज में। तो एक बड़ा ओवरहैंग रहता था उस समय हर PSU स्टॉक पे कि सरकार को अपनी शेयर होल्डिंग 75% या उससे कम करनी है तो उसकी वजह से ये OFS आएगा। LIC में मुझे याद है जब उसका IPO आया था तो लोगों ने कहा कि 75% होल्डिंग होनी चाहिए, IPO सिर्फ 3.5% का है तो इसमें तो सप्लाई आती रहेगी। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये मैं क्रेडिट दूंगा सरकार को कि जितना ओवरहैंग था कि जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे किसी भी PSU स्टॉक के तो सरकार एक OFS या डाइवेस्टमेंट अनाउंस करके उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा।
ये सारा डर इस समय निकल गया है और मैं अगेन क्रेडिट दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डाइवेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि उन्होंने बिल्कुल भी मार्केट टाइमिंग की कोशिश नहीं की है इस समय। और मैक्रो सिचुएशन इंडिया की इस समय काफी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर है सरकार पे विनिवेश करने का या फायर सेल करने का, अगर हो जाता है तो अच्छा है, पर प्राइस को बहुत डिस्काउंट पे करके बेचे मुझे नहीं लगता है सरकार में इस समय कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है। अगर होगा तो अपने अच्छे प्राइस पे बेचेंगे, काफी बिजनेस ओरिएंटेड सरकार है, हमने काफी समय से देख लिया है, तो डीप डिस्काउंट पे कोई विनिवेश होगा मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी संभावना है। नॉन स्ट्रेटेजिक कोई एसेट है उसको कर देंगे, पर तभी जब प्राइस राइट होगा। तो जो भी एक दो नाम जो काफी समय से चल रहे हैं शायद वो हो, वो ना भी हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ओके ऑफ कोर्स मैं डिफेंस पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर विनिवेश की स्टोरी नहीं है लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑर्डर बुक की स्टोरी है, यहाँ पर और इंडिजीनियस बिल्ड की स्टोरी बनती दिखाई दे रही है और सरकार उसको और बढ़ावा देना ही चाहेगी। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? अभी अभी वो खबर आ रही थी कि BL को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इन कंपनियों में क्षमता है कि भारत ही नहीं इनफैक्ट विदेशों के भी डिमांड्स को सर्विस किया जाए और कई सारी कंपनियों ने वो इंडिकेशन दिए भी हैं कि कैसे अफ्रीकन नेशंस, कैसे एशियाई नेशंस, दूसरे नेशंस के लिए वो अब ऑर्डर्स लेने लगे हैं। क्या वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिहाज से भी डिफेंस कंपनियों में? बिल्कुल रह सकती है और ये अपॉर्चुनिटी काफी समय से थी, ये तो मार्केट ने अब समझा है इसको। यही कंपनीज हैं मिश्रा धातु, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज हैं, जो भारत डायनामिक्स, ये सब काफी समय से हैं, पर इनको एक अपॉर्चुनिटी अब मिली है सरकार के सपोर्ट की। और ये दिखाता है हर्षदा कि सरकार का सपोर्ट किसी भी सेक्टर को हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, PLI स्कीम के थ्रू हो या जैसे भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक इंडस्ट्री का गेम चेंजर होता है वो। और जिस तरह से सरकार ने नजर डाली डिफेंस पे, और डिफेंस हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं लगता इस बात को कोई डिस्प्यूट करेगा कि टैलेंट कितना है इस देश में, वो टैलेंट को अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है PSU डिफेंस में, ये दिखाने की कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सिर्फ नॉट ओनली इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां से शुरुआत हुई थी कि हम बाहर से ना मंगाएं खुद बनाएं, पर अब उस लेवल की बात आ गई है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हम अब एक्सपोर्ट भी कर सकें। और एक्सपोर्ट सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट, लोग डिफेंस समझते हैं तो सिर्फ आर्टिलरी सोचते हैं, टैंक, गन्स, पर उसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट है, मिलीवेव मीटर टेक्नोलॉजी है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पेस है। और PSU स्पेशली क्यों इससे बेनिफिट करेंगे? क्योंकि कैपिटल चाहिए इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, ये काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए सरकार का पर्स है उनके पास, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए मिल जाएगी। तो मुझे लगता है अगले 4-5 साल में हम देखेंगे ये सारे पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, विदाउट द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये कैसे एक ग्लोबल लेवल की कंपनीज बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अभय, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।